नमस्कार दोस्तों, बीबीसी कंप्यूटर वर्ल्ड के इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि आप 240 mm का बीबीसी का जो गैलेक्सी सीरीज का वाटर कूलर है उसको अपने कैबिनेट के अंदर और मदरबोर्ड के अंदर कैसे फिट कर सकते हैं। पहले हमने एक इसकी वीडियो की थी, उसमें हमने आपको इसको अनबॉक्स किया था, आपको बताया था कि इसके साथ आपको क्या क्या मिलेगा। उसका लिंक मैं आपको इसमें शेयर कर दूँगा और आप चाहे तो वहाँ देख सकते हैं। और लेकिन आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि इसको आप अपने कंप्यूटर और कैबिनेट के अंदर किस तरीके से फिट कर सकते हैं। ये हमने इसको ओपन कर लिया है, इसमें हमें ये AMD की फिटिंग है और ये आपकी इंटेल की फिटिंग है, लेकिन हमारे पास जो मदरबोर्ड है वो इंटेल का है, तो हम ये वाली AMD की फ़िटिंग जो है वो यूज़ नहीं करेंगे। हम इस इंटेल की फ़िटिंग के थ्रू आपको इसको फिक्स करना बताएंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले अब हम इसके मदरबोर्ड में फिट करेंगे। ये आपकी बैक प्लेट है, ये आपके मदरबोर्ड में बैक साइड में लगेगी। ये इस तरीके से सबसे पहले मैं सजेस्ट करूँगा कि आप इसको फिट करें। ये इसके चार स्क्रूज़ हैं जो कि ये बैक प्लेट के ऊपर लगेंगे। सबसे पहले इन्हें आप अपने हाथ से आराम से लगा लीजिए। ये चारों लगने के बाद आप इस टूल की मदद से अपने स्क्रू ड्राइवर के थ्रू इसको और भी टाइट कर सकते हैं। सबसे पहले आप इस टूल को यहाँ पे इसमें फिट करेंगे नट के अंदर, उसके बाद आप अपना स्क्रू ड्राइवर लेंगे और इसको और टाइट करेंगे जिससे कि ये लूज ना हो, लेकिन टाइट उतना ही करें जितना ये हो, ज़बरदस्ती करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तरीके से हम इसके चारों नट्स को टाइट करेंगे। ये चारों मैंने टाइट कर दिए। अब इसके बाद हम इसको साइड में रख देंगे, बाद में हम इसको कैबिनेट में फिट करेंगे। उसके बाद अब हम रेडिएटर पर आएंगे। सबसे पहले हम रेडिएटर के ऊपर अपने दोनों फैनों को फिट करेंगे। ये आप देख सकते हैं फ़ैन की जो क्वालिटी है बहुत ही बेहतरीन है, उसके साथ साथ आपके चारों तरफ एंटी वाइब्रेशन रबड़ दिए गए हैं। ये इसके स्क्रूज हैं, ये हम चार स्क्रू पहले एक फैन में लगाएंगे। ये जितने टाइट हों उतने ही करें, ज़्यादा नहीं करें और ना ही कोई ज़बरदस्ती करें, नहीं तो आपका जो ये रेडिएटर है इसके अंदर के कॉइल डैमेज हो सकते हैं। ये जो आपके कॉइल बने हुए हैं किसी भी तरह की कोई ज़बरदस्ती ना करें।
ये इसके अंदर चार दोनों फैन अच्छी तरीके से मैंने फिट कर दिया। अब हम इसके पंप की फिटिंग फिट करेंगे। तो सबसे पहले आपको ये दो इंटेल के लॉक दिए गए हैं जिसके थ्रू ये फिटिंग होगी। तो सब इसको आप इस तरीके से लगाएंगे। लगाने के बाद ये सिल्वर कलर के आपके स्क्रू दिए गए हैं, वो आप इसमें इस तरीके से माउंट करेंगे। इस तरीके से आपकी फिटिंग कंप्लीट हो गई है। जैसे ही आप ये सारा काम कर लें उसके बाद ये जो आपका वार्निंग लेबल है इसको हटाना ना भूलें। ये हटा दें, उसके बाद मैं सजेस्ट करूँगा इसको एक बार अच्छी तरह क्लीन कर लें। ये इस तरीके से इसको एक बार अपना किसी भी क्लॉथ से, क्लियर क्लॉथ से क्लीन कर लें, जिससे कि अगर इसके ऊपर किसी भी तरह की कोई डस्ट वगैरह होगी तो आपकी साफ़ हो जाएगी। इसके बाद आपको याद होगा हमने पहले मदरबोर्ड में माउंटिंग की थी, उसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगा ये जो थर्मल पेस्ट है ये आप सबसे पहले अपने सीपीयू के ऊपर लगाएं। अब हम उसके बाद हम इसको अब अपने मदरबोर्ड को अपनी कैबिनेट के अंदर फिट करेंगे, उसके बाद इस पर हम अपना वाटर कूलर लगाएंगे। अब हमने ये सब कुछ फिट कर दिया। अब हम इसको बीबीसी की ये 8803 मॉडल कैबिनेट है, अब हम इसके अंदर इसको फिट करेंगे। ये मैंने कैबिनेट का फ्रंट और बैक पैनल ओपन कर लिया है। अब हम इसमें सबसे पहले मदरबोर्ड फिक्स करेंगे। मदरबोर्ड पावर सप्लाई और हार्ड डिस्क के जो आपके स्क्रूज वगैरह हैं वो आपको कैबिनेट के साथ मिलेंगे। मैंने इसे मदरबोर्ड फिट कर लिया है, अब हम इसके अंदर पावर सप्लाई फिट करेंगे। इसकी पावर सप्लाई की जो सेटिंग है वो बॉटम साइड है। हम इसके सबसे पहले बॉटम में पावर सप्लाई अपनी फिक्स करेंगे।
इस कैबिनेट के अंदर केबल मैनेजमेंट सिस्टम भी बहुत ही बढ़िया है, तो आप इसको भी यूज कर सकते हैं। मैंने पावर सप्लाई इसमें फिक्स कर दिए। अब हम इसमें अपना वाटर कूलर इंस्टॉल करेंगे। इसमें वाटर कूलर के लिए यहाँ टॉप पे 240 mm फिक्स करने के लिए स्पेस दिया गया है, और साथ में फ्रंट में भी दिया गया है 240 mm का। अगर आप मदरबोर्ड फिट कर देते हैं तो उसके बाद मैं आपको दिखाना चाहूँगा, टॉप में इसमें स्पेस नहीं रहता है कि आप वाटर कूलर इंस्टॉल कर सकें, लेकिन हाँ आप फ़ैन इसमें ज़रूर ऊपर टॉप में इंस्टॉल कर सकते हैं। तो इसलिए हम इस वाटर कूलर को अपना फ्रंट में इंस्टॉल करेंगे। तो सबसे पहले मैं इसका फ्रंट के कवर रिमूव करता हूँ। फ्रंट कवर रिमूव करने के लिए बीबीसी कैबिनेट्स में लगभग सभी कैबिनेट्स में नीचे की तरफ स्पेस होता है, हम इसको यहाँ से पुल करेंगे तो ये टॉप कवर इसका बाहर निकल आएगा। बीबीसी की इस कैबिनेट में आपका फ्रंट में एक 120 mm का 33 LED का फैन दिया गया है। हमें इसमें वाटर कूलर इंस्टॉल करना है तो इसके लिए हम सबसे पहले इसको बाहर निकालेंगे। ये हमने फैन को इसमें से निकाल लिया है, अब हम इसके अंदर वाटर कूलर अपना इंस्टॉल करेंगे। इस वाटर कूलर के साथ आपको टोटल 8 पेज दिए गए हैं, तो उनको आप आराम से और इजीली फिक्स कर सकते हैं।
इसके 8 पेज लगा दिए हैं। अब हम इसको मदरबोर्ड में फिक्स करेंगे। मैं आपको फिर से बताना चाहूँगा, आप इसको मदरबोर्ड में फिक्स करने से पहले अपने सीपीयू के ऊपर थर्मल पेज ज़रूर लगा लें। मेरे सीपीयू के ऊपर पहले से ही लगा हुआ है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे इसके स्क्रूज को सेट करने के, अब हम इसको स्विच करने की बात कर रहे थे। तो इसको हम स्विच करने के लिए सबसे पहले आपको अगर इसको स्विच करना है तो इसको पहले प्रेस कीजिए इस तरीके से कि आपका ये है। आप इसको इस तरीके से अंगूठे से प्रेस कीजिए, उसका नीचे वाले को स्क्रू को जैसे अब हमें ऊपर पुश करना है तो ये ऊपर पुश हो गया, नीचे करना है तो इसको नीचे की तरफ दबा के नीचे वाले को सपोर्ट कर दीजिए। एक्चुअली ये आपका अलग अलग मदरबोर्ड के लिए अलग अलग तरीके का है, ये दो तरीके के हैं। एक आपका ये आप गैप देख सकते हैं यहाँ पे है, अगर हमें इसको ऊपर वाले गैप में स्विच करना है तो इसको ऊपर की तरफ प्रेस करेंगे और ये देखिए आपका स्विच हो गया। लेकिन हमारे मदरबोर्ड 77 सीरीज का है तो हम इसको नीचे की तरफ स्विच करेंगे। हमारे चारों नीचे की तरफ स्विच हो गए। अब हम इसके बाद इसको अपने मदरबोर्ड में फिक्स करते हैं। स्क्रूज को आप अच्छे से टाइट कीजिए जिससे कि बिल्कुल सीपीयू के ऊपर फिक्स हो जाएगा। इसके बाद हम ये वायर्स कनेक्ट करेंगे जो कि आपकी दो फैन की हैं और एक ये पंप की है। पंप की वायर के लिए हमारे पास इसके बगल में ही स्पेस है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरे मदरबोर्ड में दो ही फैन के लिए कनेक्टर है तो मैं इसके लिए एक स्विच यूज करूँगा जिससे कि मैं इन दोनों फैनों को ऑपरेट कर सकूँ। ये कनेक्टर है ये मैं यूज करूँगा, इसमें मैं अपने दोनों फैनों को लगाऊंगा तो फिर उनकी एक ही वायर आगे फॉलो करेगी। ये आपको इस किट के साथ नहीं मिलेगा, ये आपको अगर चाहिए हो तो आपको ये बाज़ार से अलग से ख़रीदना पड़ेगा। ये मैंने इसमें कनेक्ट कर दिया, इसके बाद अब मैं ये को यहाँ पर कनेक्ट कर देता हूँ। इसके बाद अब मैं अपने मदरबोर्ड में कैबिनेट के कनेक्शन करूँगा जिससे कि हम इसको कैबिनेट से ऑन कर सकें।
दिया है। अब इसके बाद हमारे पास, अगर आपको याद हो तो एक पहले फैन था, अब हम इसको भी इसमें कनेक्ट कर देते हैं जो कि हमारी कैबिनेट के साथ आया था। इसको हम यहाँ बैक में फिक्स कर सकते हैं, चाहे तो आप लोग इसको यहाँ पे भी टॉप में भी लगा सकते हैं। टॉप में दो फैन लगाने की स्पेस है, तो हम थोड़ा टाइम बचाने के लिए इसको थोड़ा बैक में ही फिक्स कर देते हैं। हम इसको अपने पावर सप्लाई से कनेक्ट कर देते हैं, क्योंकि इसमें मोलेक्स कनेक्टर दिया गया है, मेल फीमेल ये हो गया। और हम मैंने इसके सारे कनेक्शन डन नहीं किए जिससे कि थोड़ा टाइम सेव कर सकें, ये हो गया। अब हम इसको, ये हमारा डन हो गया है, अब हम इसके बाद इसको प्ले करेंगे। अब मैं इसको पावर देता हूँ।